नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का फिर से स्वागत है। एक सनसनीखेज समाचार सामने आया जिसमें देर रात प्रेमिका को मिलने गए नौजवान का प्रेमिका के भाइयों ने किया कत्ल। जी हां, गुरदासपुर के गांव तुंग में देर रात अपनी प्रेमिका को मिलने गए 28 साल के नौजवान यूसुफ मसीह को लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि लड़का लड़की से पिछले 2 साल से प्रेम संबंध में थे। पुलिस ने नौजवान की मृतक देह की पोस्टमार्टम के लिए बेज दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस संबंधी जानकारी देते हुए मृतक नौजवान के भाई विक्टर ईसा मसीह ने मां सपना के साथ जानकारी देते हुए बताया कि मृतक नौजवान यूसुफ मसीह उनके बेटे का गांव की ही लड़की मनप्रीत के साथ पिछले 2 साल से प्रेम संबंध थे और लड़की उनके बेटे के साथ घर से भाग गई थी, परंतु फिर वापस आने पर पंचायत में बैठकर राजीनामा हो गया था। परंतु लड़की फिर भी उनके लड़के को फ़ोन करती थी। कल शाम को फ़ोन का उनका लड़का काम करने गया था और उन्होंने लड़के को बीच रास्ते से उठाकर मार दिया है, इसलिए इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखें इंसाफ टीवी पर पूरी खबर। हरी भाई की नाम है? मेरा नाम विक्टर मसीह है। विक्टर जी, की गल हुई थी ब्रदर ने? मेरे ब्रदर ने जी उन्होंने घर बार के उन्होंने मारता है। किने? वो ना कुड़ी वाले ने, कुड़ी दे ब्रदर ने। शुरू से गल हुई की थी, किदा तुम्हारा रिलेशन भी आ गए की गल सही है? उन्होंने कहा जी 2-2.5 साल तो पहला घर चलता पिया सी कुड़ी मुंडे का। हां जी, तो उस तो बाद उन्होंने चलो कुड़ी नु ले भी गया मुंडा, तो दो तीन दिन बाहर रहे, तो उन्हें माँ प्यो ने फड़ लिया, कुड़ी अपने घर आ गई, मुंडा अपने घर आ गया। चलो फैसला साढ़ा सरपंचा ने मैंबर ने पुलिस तो बड़ा फैसला हो गया, साढ़ा फैसला होया कि कुड़ी असी माँ कहती सही 1 महीने के ब्याह देंगे, तो तुम मुंडे 5-6 महीने लिए बाहर कढ़ दो। ठीक है, तो अभी तो डरते मारे उन्होंने किराए से भेजता बाहर भी कोई वारदात ना कर दिन मगरों कि उन्हें कोई खार खूर रखी फिर मुंडे के मुंडा काम तो आता रहा पिंड साढ़े जरा पहला मौत मेरे सरपंच से उन्होंने घर काम आंदा रहा, तो वह काम तो बाद चल जाता रहा। उन्होंने पीछा किया कल उन्होंने मुड़े का, तो उस तो बाद उन्होंने बाईपास से चुकया, उन्हें अपने दौड़ के अपनी जान बचाने की कोशिश की, पर वो बाह पेश नहीं चली कोई, तो उन्होंने कोई पता नहीं की मारिया पिछों की। तो मुड़े का ना है कि जिन्हें प्रीत वा, एक ना काका वा, एक ना देबा वा, नहीं दो भरा ने तो लागू वो चाचे का एक गुआढ़ी जिन्हें पंजाब चारा जान बचांदा रहा। नहीं भैया ने छड़िया मेरे पुत नु किते बाहर कुट कुट के लै के घर मुड़ के मरूद ना बनया। ओ कुछ डौन गया नहीं छड़ाया मेरे मुंडे नु के ने कुटिया क्यों मारया क्यों की काम की? ए होए कुड़ी दा चक्कर से आबा अंतरा, कुड़ी कहंदी मैं जहर खा के मर जणा जे तू मेनू ना खड़या ते। ओ डरदा लै के कहंदा मेरे को ते पैसे भी है नहीं, कहंदी मैं पैसे इकट्ठे कर लेने आपां ते चल जाने आ, कहंदा मेरे को है नहीं कुछ भी, मैं तेनू किथे लै जां। बेचारा लै गया कितने ना कितने मेरे को लै, पता नहीं मैंने कहना मिल चाहिए सानू, तो पता नहीं मैं अल्ट्रासाउंड कराई अपनी नूह दी। दो कुड़ी के भरा, दो गुआढ़ी, दो तीन होर आ, एक उन्होंने जवाई उन्हें मूँह बंदा वा, इतों उन्होंने जवाई ने मूँह बंदा मेरे मुंडे सह सारी हो रही आ। उत्थे दूसरी तरफ मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी कुलदीप सिंह का कहना है कि देर रात उनको सूचना मिली थी कि तुंग गांव के एक नौजवान का कत्ल हुआ है। जांच दौरान पता चला है कि नौजवान यूसुफ मसीह के गांव की ही लड़की मनप्रीत के साथ प्रेम संबंध थे और देर रात लड़की मनप्रीत ने अपने प्रेमी यूसुफ मसीह को मिलने के लिए घर बुलाया था और लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने लड़के को मौके पर ही पकड़ लिया और पीट पीट कर उसको मार दिया। उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मृतक की देह को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अभी दोषी फरार हैं। जी सर, इनका कत्ल होया है, की मामला है? मामला है कि जरा यूसुफ मसीह उर्फ लक्की पुत्र कमल मसीह वासी तोंग ता लव चलता ही मतलब मनप्रीत लड़की दे नाल। लड़की ने राती उन्हें 11 बजे अपने घर बुलाया सी, जदों घर उत्थे पहुँचा
उदों कितने मापियां नूं पता लग गया तो जिथे लटके दे भरा काका परीत ते इहदा चाचा दिब्बा ते इहदी माता कांति ने इहनां नूं बी एस बाला दे लोहे दे राडां नाल कुट कुट के मौके पर ही इहदी मौत ते घाट उतार दिता। जो ये वाकया करीब 11:30 बजे का रात होगा जिस संबंधी मुख्य अफसर साहब समेत पुलिस पार्टी मौके पर रात ही गए उत्थे तो मौके पर जाके जायजा लिया तो लाश नूं कब्जे में लैके अगली कार्रवाई अमल में लियांदी गई। दो ढाई साल तो इन्हों का लाभ चल रहा है इन्होंने जी मतलब मिल गया रात मतलब पहला कल सुबह 12:30 बजे मोबाइल उन्होंने लड़की को दिता जाके इन्हें रात मुड़ के रात गया 11:30 बजे वो घर लटकी के घर गया तो जिते वो परिवार मैंबर सुते ही लागे तो परिवार मैंबर पहला तो पता ही भी साड़ी लटकी का लव अफेयर चलता जी यदा जिसते लटके परिवार लटकी परिवार के परिवार वालों उन्होंने काफ़ी सट्टा लग जिस मौके पर मौत हो गई। कार भी 302/120/148/149 तहत मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी अगली तफ्तीश अमल में लिया जा रही है। गिरफ्तार न गिरफ्तार अभी कोई नहीं हुई दोषी मौके तो फरार हो गए थे तो समय जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे दोषी सारे।